मैं फिर से किचन में हूँ। अच्छा कुछ लोग ये सोचते होंगे कि वंचित ज्यादातर किचन में क्यों रहता है, भाई ये खाना बनाना बहुत पसंद है या खाना बनाने में मजा आता है ये क्या। तो फ्रेंड रहता है कि हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, किसी का कुछ रहता है फ्री टाइम पे। मुझे पर्सनली खाना बनाना अच्छा लगता है और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, कुछ सिलेक्टेड चीजें जो मुझे बनाना अच्छा लगता है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो चीज अगर मैं बनाता हूँ और किसी और को देखा कि वो कुछ और तरीके से बनाता है तो मुझे वो चीज सीखने की चाह रहती है और लगता है कि क्यों ना चीज सीखी जाए, अपनी फैमिली को खिलाई जाए, मिताली को खिलाई जाए। तो इस तरीके से रहता है, ये मेरी हॉबी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम किचन में रहता हूँ, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ऑफिस जाता हूँ, मस्ती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट फ्री टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ बनाता हूँ। अब आपको मैंने कुछ वीडियो दिखाई जिसमें मैंने काफी करी बनाई थी और आपका लास्ट टाइम डोसा बनाया था, बट अब मैंने सोचा क्यों ना आपको वो दिखाया जाए जिस पर मैं स्पेशलिस्ट हूँ और अभी से नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम से स्पेशलिस्ट हूँ और वो मेरी फेवरेट एक्टर है। अब एक्टर ही हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, काफी ज्यादा आपने देखा वीडियो के कोई किसी स्टाइल से बनाता है, मैं जिस तरीके से बनाता हूँ मैं अपना स्टाइल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहले मैं एक्टर ही बनाना स्टार्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, इनको मैंने पानी में डाल के रखा है। तो मैंने चार प्याज ली थी और उनको चॉप करके रख लिया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि मैं जब एक्टर ही बनाता हूँ तो मैं उसमें प्याज का मसाला को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और मुझे टमाटर कम पसंद है। तो ये अपना अपना रहता है, कोई उसमें टमाटो प्यूरी मिलाता है, कोई चाहता है कि वो थोड़ा सा कम मिर्च टाइप का है, तो टमाटर का जो रहता है क्वांटिटी उसको बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ दो टमाटर यूज करूंगा। तो एक चीज और अच्छी है जो कि मुझे इसलिए भी बनाने में मजा आता है कि आप देख सकते हैं जो भी मेरा किचन है और जो भी चीज मुझे चाहिए रहती है वो काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है, तो उसका क्रेडिट जाता है मिताली को, क्योंकि किचन में सारी चीजें जब ऑर्गेनाइज है तो काम करने में और मजा आता है। तो मुझे पता है कि मेरा ऑयल कहाँ रखा हुआ है, नमक कहाँ रखा हुआ है, मसाले का क्योंकि मुझे बहुत कम आइडिया, ज्यादा आइडिया नहीं रहता क्योंकि मैं किचन में कम आता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी चीज कहाँ है। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि अगर गरम मसाला चाहिए तो वो सिस्टमैटिक वे में है और उसमें गरम मसाला लिखा हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी छोले बनाना है तो छोले मसाला लिखा हुआ है, इस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे पता है कि मेरा मसालों का सेक्शन ये है तो सारे मसाले यही मिलेंगे। अगर आप ये भी देख सकते हो कि मटका रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे हमारा जब हम वीडियो बनाते रहते हैं तो वो उठा के पीछे रख दिया जाए, मटका नहीं दिखना चाहिए। पर मेरा कहना है कि जैसे वैसे वीडियो बनाओ अपने दोस्तों के लिए, तो भाई मटके का पानी पीते हैं हम तो पीते हैं, फ्रिज भी रखा हुआ है, फ्रिज में भी बॉटलें हैं, पर कहने का मतलब है कि जैसे हो वीडियो में वैसे रहो, सिंपल रहो, तभी तो आपको पसंद आता है, आपका प्यार मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलता है। क्योंकि जैसे भी हो कितने भी स्टाइल बन जाओ पर जमीन से जुड़े रहो और जो हो वो दिखाओ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैंने ऑयल लिया, ये भी देख सकते हैं कि काफी चीजें सामने है, लाल मिर्च, नमक, जीरा, ये भी एक ऑर्गेनाइज नजर भी है। तो आप भी अगर पसंद करते हैं किचन में काम करना तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर आप रख सकते हैं क्योंकि काम इजी हो जाता है। तो ऐसे ही काफी ऑर्गेनाइज चीजें या उसी तरह से मेरे किचन में काफी चीजें हैं, तो इसको अगर आपको देखना है तो आप मिताली से कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि वो आपको एक मॉडुलर किचन जो हमारा है उसका एक टूर करे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। अब ये जीरा भुंज रहा है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे। तो अगेन चीजें ऑर्गेनाइज हो तो इजी रहता है काम करना। टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च जो पानी में भिगोई हुई थी सूखी वाली, उसको मैंने ले लिया है मिक्सी के पीसने के लिए। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये मेरा पेस्ट रेडी है और ये हम लास्ट में डालेंगे, अभी के लिए इसको साइड में रख लेते हैं। और अब देखते हैं कि प्याज की क्या स्टेटस है, आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे तरीके से कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, सुनहरी हो चुकी है। तो अब हम इसके अपने जो मसाले हैं वो मिलाना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी डालना, स्टिर कर देंगे ताकि अच्छे से जैसे देख सकते हैं आप कलर हो रहा है मीडियम फ्लेम में। ये कश्मीरी लाल मिर्च, वैसे धनिया, तो अब जो खाने की जान जिसको मैं कहता हूं नमक। अच्छा नमक डालते हुए ना मैं एक वीडियो देखता था जिसमें खाना बनाना सीखता था शेफ हरपाल जी जी का, और काफी ज्यादा उनको फॉलो भी करा हुआ है क्योंकि मैं फ्री टाइम में कुछ ना कुछ बनाने का मन है तो उनको फॉलो करता रहता हूँ। तो वो हमेशा एक गाना गाते हैं नमक डालकर, नमक शमक डाल देते हैं। तो लगभग आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, आप देख रहे हैं कि मिलाने जा रहा हूँ। तो ये चिकन मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया, जिस ब्रांड का आपको पसंद है आप उसका डालें, क्योंकि एक तेजी जो फ्लेवर होती है जैसे किसी ब्रांड की क्या मसाला थोड़ा तेज होता है, किसी का लो होता है, तो अपने अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे टाइम यूज करता हूँ MDH का मीट मसाला, तो ये लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच मसाले लिए हुए हैं और 1 चम्मच में पूरा भी डाल दूंगा और बाकी लास्ट में ऐड करूंगा अपने अकॉर्डिंग। ओपन कर दिया क्योंकि जियो आ गया था किचन में, तो मैंने ओपन करा क्योंकि इस टाइम शाम हो जाती है और जियो को बालकनी में बैठना काफी अच्छा लगता है, वो करता रहता है। जनरली क्या होता है कि इस टाइम मैं ऑफिस से लौटता रहता हूँ तो वो मेरा वेट करता रहता है, तो वो बालकनी से पूरे टाइम वहीं पे बैठा रहता है और वॉच करता रहता है कि मेरी गाड़ी कब मेन गेट से एंटर करेगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक पैन भी ले लिया है, हीट ऑन कर दिया है, पैन रख दिया है। रीजन भी क्योंकि जो हमारे एग है अब मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग को नॉर्मली बॉइल्ड एग को ही फिर ग्रेवी में मिलाना चाहते हैं या फिर उसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली थोड़ा सा फ्राई एग का जो शेल होता है वो क्रिस्पी हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत ही जरा सा ऑयल लेना है। अच्छा ऑयल में आप नमक जरूर डालें, इससे यह होता है कि जब वो एग जो होते हैं वो उचकते नहीं है जब आप फ्राई कर रहे होते हैं। अब जो मैंने मीनवाइल मेरा जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हमने काफी सारी चीजें इसमें मिला ली है, लाल सूखी मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया हुआ था, टाइम आ गया है कि हम इसको भी मिला दें। ये हमने बना दिया है और साथ ही मैं इसमें जितना भी मेरा मीट मसाला था जो मैंने 3 चम्मच लिया हुआ था, 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच बचा हुआ था, वो भी मैंने पूरा कर दिया। तो बेसिकली अब हम अपनी ग्रेवी के फिनिशिंग पार्ट में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कलर कैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और ये वही बिल्कुल जो हमारा ढाबा स्टाइल है होटलों में जो मिलता है वो ग्रेवी का आ गया है। थोड़ा सा हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे ताकि जो टमाटर है मसाले हैं वो एक बार जब अपना पानी छोड़ेंगे तो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऑयल ले लिया था, नमक डाल दिया है ताकि जो अंडे डालेंगे तो वो उचके नहीं, तो अब हम एग डालना स्टार्ट करेंगे। मेन गाइड हम थोड़ा सा इसको भी स्टिर करते रहेंगे और चख के देख लेते हैं कि कितना मसाला पक गया है, क्या है स्टेटस मसालों की। मसाला रेडी हो चुका है तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे। अपने अकॉर्डिंग पानी मिलाइए, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग।
और एक बार इसको फिर से थोड़ा सा स्टिर करेंगे। नींबू रेडी हो चुका है, ग्रेवी हमारी, तो मैंने बर्नर बंद कर दिया है। सिर्फ हम वेट करेंगे एग को थोड़ा और क्रिस्पी होने में। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है यहाँ से, तो इसको रोटेट करते रहिए स्लाइटली ताकि पूरा एग इस तरीके से हो जाए। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ज्यादातर चावल के साथ खाना एग करी अच्छा लगता है, मैं थाली को रोटी के साथ पसंद है। तो बस आपके सामने ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, एग फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इनको डालूंगा अपने मसालों में धीरे से। ये हमारी एग करी है, तो फ्रेंड्स ये रेडी है हमारी एग करी। तो इसी तरीके से संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते रहिए। आप संडे को ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।